इधर बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और शिवराज सरकार की तारीफ की। आज मध्य प्रदेश के मंडला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य को बेमिसाल बनाया तो करप्शन नाथ ने सिर्फ घोटाले किए। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया, 150 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की।